पावों में उस समय सनसनी फैल गई जब चिपलघाट बुंगा मार्ग में एक नवजात बच्ची के शव की मिलने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी दीपक पवार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाए। इस पूरे मामले में एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि नवजात बच्ची सुबह के समय ही पैदा हुई होगी और उसके परिजन उसको चिपलघाट बुंगा मार्ग में छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि ये बड़ा गंभीर विषय है। पुलिस द्वारा बच्ची का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। देखिए, इसमें मौके पे हमारा जो चौकी प्रभारी थे वो गए और उन्होंने जो है उसमें डीएनए सैंपलिंग भी की गई है और उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि इसमें उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई करें। अरे, जो प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क प्रभारी हैं और जो हमारी महिला कांस्टेबल्स तैनात हैं उनके द्वारा भी लगातार जा जाके जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और अन्य के साथ गांव में जाकर जागरूकता फैलाई जा रही है, इसको थोड़ा और वृहद स्तर पर और लागू करने का हम प्रयास करेंगे।